पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। ब्रह्मज्ञान का फल क्या है कि पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं, कभी ओडेश टाट तो कभी बाट में खुश हैं, पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, कभी चबावे चना चबीना कभी लपटा ले खीरां दी वारे मौज फकीरां दी, कभी तो ओडे शाल दुशाले कभी गुदड़ियां लीरां दी वारे मौज फकीरां दी, कभी तो सोए रंग महल में कभी गली अहिरां दी वारे मौज फकीरां दी, मंग तंग के टुकड़े खांदे चल दे चाल अमीर आंदी वारे मौज फकीर आंदी। वो ब्रह्म विद्या को पाए हुए महापुरुष ऐसे होते कि आंख के पलकारे में राज्य का दान कर सकते, कंगाल को अमीर बना सकते हैं, देने को कुछ नहीं होता, हाथ में देने को कुछ नहीं होता, वस्तुएं चीज या सिग्नेचर करके ऑर्डर करने को कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी एक मीठी नज़र में कई उथल पाथल करने का सामर्थ्य होता, राज्य तक का दान कर डालते और भिक्षा मांगने पड़ती तो हंसते हुए मांग लेते, मच्छर से डरते और शेरों को आज्ञा में चलाते। एक महात्मा थे, जा रहे थे, एक शिष्य था नया, बोले गुरु जी मैं आपके साथ चलूँ, आपकी सेवा में रहूँ, 15 दिन एकांत चाहिए, आपकी सेवा में रहूँगा। अब नया चेला नए बंदे के साथ गुरुजी को यात्रा करने में, बोले अच्छा चलो। थोड़ी देर चले, बैठे तो मच्छर काटा, अरे मर गए यार, चलो इतने तो मच्छर हैं। चेला ने देखा गुरुजी तो सत्संग में तो बड़ी बातें करते, निर्भय रहो, और यहाँ मच्छर से डर रहे। थोड़ी यात्रा हुई, गुरुजी उसके मन का भाव जान गए, बीच जंगल बैठ गए, बोले अब थके लेटे हैं, पेड़ भी बढ़िया है, विशाल वृक्ष है, अच्छा लेटे तो शेर दाड़ा, जंगली शेर, सिंह ने गर्जना की, घना जंगल था, गुरुजी लेटा और आवाज आने लगी, हाय शेर, अरे शेर आया, ओए डर गए। चेला डरा के गुरुजी शेर आया, बोले आया तो क्या है, आने दे, बोले गुरुजी नजीक आ रहा है, बोले आने दे, मुझे तो डर लगता है, बोले डर लगता है तो तुम पेड़ पे चढ़ जा। अब गुरुजी तो लेटे रहे, और सचमुच में शेर आया, और किया शिष्य तो घबराया, पेड़ पे चढ़ा, लेकिन फिर भी हाथ कांप रहे, कपड़े भी गीले हो गए। अब गुरुजी तो टांग पे टांग चढ़ा के लेटे हैं मस्ती से। वो ऊपर घबरा रहा है और ये गुरुजी, शेर आया थोड़ा इधर उधर, गुरु की तरफ देखा, गुरु ने शेर की तरफ देखा, शेर तो बिल्ली बन के बैठ गया, पूंछ हिलाया थोड़ा, फिर चला गया, शेर चला गया। वो चेला उतरा के, गुरु जी आप शेर से नहीं डरे, उधर मच्छर ने काटा था आहा करने लगे और इधर शेर चिंखार रहा था, और मैं ऊपर बैठे बैठे देखो कपड़े आगे पीछे रंगीन हो गए। गीले हो गए, रंगीन हो गए। मच्छर से तो आप डर रहे थे और शेर आपके आगे बिल्ली बन गई, क्या है? बोले मच्छर ने काटा, उस समय हम तेरे साथ थे और देह में थे, तो आ कर दिया तो कर दिया, और शेर आए तो हम अपने मौज में थे, तो मैं वही हूँ, कर दिया तो कर दिया, क्या है? इससे क्या बड़ी बात है? इसलिए ज्ञानी को तोलना बड़ा मुश्किल है।
जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक ब्रह्म ज्ञानी गुरु को के साथ तो रहो, लेकिन उनको उनकी बाहर की क्रिया व्यवहार देखकर उनको तोला तो खोपड़ी खलबला जाएगी।